प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा का किया उद्घाटन, कहा तेल और गैस परियोजनाओं का समय पर विकास हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत, साधुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का किया अनावरण। गुर्जर समाज का आरक्षण आंदोलन से रेल और सड़क यातायात प्रभावित, सरकार ने कहा जल्द होगा समाधान। प्रदेश में 5 और मरीजों के मृत्यु के साथ स्वाइन फ्लू से अब तक मरने वालों की संख्या हुई 105, 66 और नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए। और ऋतुराज वसंत के आगमन का पर्व वसंत पंचमी आज, मां सरस्वती की आराधना के साथ हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश की ऊर्जा पूर्ति के लिए तेल और गैस परियोजनाओं का समय पर विकास हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ONGC के विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम की S1 विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया, साथ ही BPSL के नए टर्मिनल स्थापना की आधारशिला रखी। अक्षरा, क्रमाम, लोन, कंकुड़ा, अन्नी रंगालालो, अंसालालो, अग्र गामुलैना आंध्र प्रदेश प्रजालाकु शुभकांक्षालु। पद्मभूषण, दलित रत्नम, कवि कोकिला गुर्रम जसुवा, जन्मिन चीना गुटूर जिला प्रजालाकु नमस्कारम। महाकवि टिक्कन्ना, जन्मिचिना गुंटूरु का मारियु गुटूर प्रजाला को नमस्कारम। भाई और बहनों, ये शहर, ये जिला दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का साक्षी तो रहा ही है। इस क्षेत्र में भविष्य के आंध्र प्रदेश और नए भारत की आकांक्षाओं का सेंटर बनने की भी पूरी क्षमता है। साथियों, इसी सोच के साथ थोड़ी देर पहले यहां पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अहम है। रविंद्र राज कर रहे हो। प्रयागराज कुंभ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा शाही स्नान चल रहा है। कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शाही अखाड़े और उनसे जुड़े साधु संत भोर से ही गंगा स्नान करने में लीन हैं। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान में आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की दिव्य कुंभ में डुबकी लगाने की उम्मीद है। मेला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार यातायात प्रबंधन योजना को और सख्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम और आसपास के स्थानों पर 40 स्नान घाट तैयार किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कोटपुतली तहसील के साधुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया तथा एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि भारत गांवों में बसता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारत की संस्कृति के महान तत्व हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समाज के सभी लोग मिलकर मदद करते हैं। बसने वाली ये शक्ति है
जहां हम अपने से पहले समाज को रखते हैं, अपने से पहले देश को रखते हैं, इसी को जागृत करते रहना, यही हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए। और आज जब गांव के अंदर इस तरह की मूर्तियां जब लगती हैं तो ये हम सबको याद दिलाती हैं कि हमें ऐसा बनना है और हर वक्त हमें इस तरह से काम करना है। सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम भी आप करवा रहे हैं कि अपने पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे समाज में जो पीछे रह जाते हैं उनको जो सक्षम लोग हैं वो हाथ पकड़ के आगे लाएं, उनकी मदद करें, यही हमारी संस्कृति है भारत की। मुझे खुशी है कि भारत की संस्कृति अभी भी पूरी तरह से ग्रामीण भारत के अंदर जिंदा है। इसको हमें और बढ़ावा देना है, हमें इसको और मजबूती देनी है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबका जो इसमें शामिल है। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश में गुर्जर समाज का आंदोलन जारी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कल शुरू हुई बातचीत के बाद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कल पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह धरना स्थल पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बातचीत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि बातचीत का मसौदा मुख्यमंत्री को बताकर शीघ्र ही सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। उधर गुर्जर समाज के पंच पटेलों की बैठक में समाज के लोगों ने शादी विवाह के समय का हवाला देते हुए दौसा जिले के सिकंदरा में 2 दिन तक हाईवे जाम करने का निर्णय टाल दिया है। आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए बनाई गई 3 मंत्रियों की कमेटी के सदस्य डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि सरकार के द्वारा बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। गुर्जर आंदोलन के कारण दिल्ली मुंबई ट्रैक पर चलने वाली करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं, जबकि 60 से अधिक ट्रेनों का मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है। आंदोलन के चलते सवाईमाधोपुर जिले से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। परिवहन विभाग ने एहतियात के तौर पर रोडवेज बसें बंद कर दी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, तो मुझे मैसेज मिला तो मैं जयपुर आ गया। अब मैं विश्वेंद्र सिंह जी के टच में हूँ, वो भरतपुर हैं। अब जहाँ भी वो मुझे बताएंगे वार्ता के लिए जाना है, हम लोग, मैं और मास्टर मोहनलाल जी वहाँ पहुँचेंगे, बातचीत करेंगे। हमारा हमेशा कहना है कि सरकार वार्ता के द्वार हमेशा खोल के रखती है और अच्छे माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में हम बात करना चाहेंगे और करेंगे। जब तक उनसे बातचीत नहीं होती है तब तक आगे कुछ कहना मुश्किल है। पहले बात। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद काबू में नहीं हो पा रही है। कल प्रदेश में 5 और मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत होने के साथ ही पिछले 40 दिनों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 105 हो गई है। वहीं कल 66 और नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि स्वाइन फ्लू से घबराएं नहीं, बल्कि इसके लक्षण दिखने पर जाँच कराएं और त्वरित उपचार लें। आज वसंत पंचमी है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। आज लोग पीले वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में उत्साह, उमंग और नई ऊर्जा का ये दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने यहां विभिन्न स्कूलों में जाकर कार्यक्रमों में शिरकत की और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भंडारेज विद्यालय में उन्होंने 3 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मंत्री ममता भूपेश खेड़ली और मोरली स्थित विद्यालयों में भी पहुंची, जहां उन्होंने सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि हम शिक्षा के स्तर को सुधारें और महिलाओं को, बच्चियों को, सबको अग्रिम पंक्ति में लेकर आएं। ये
जो शिलान्यास समारोह हम लोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हमारी सरकार आने वाले समय में जनता के हितों में, जनता के भले में बहुत से ऐसे कार्य करेगी जिससे जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके। ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाएगा, संसाधनों से उपलब्ध कराया जाएगा और स्कूलों को फैसिलिटेट किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आज 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शहर से दुर्ग तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में लोक नृत्यों और लोक वाद्यों सहित कलाकार आगे चल रहे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। जिन्होंने अपनी सोच के आधार पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, ये इनका जिस आदमी का जो टेस्ट होता है उधर वो काम करते हैं। ये जब पहले बूंदी में थी कलेक्टर महोदया, जब वहाँ भी शुरू किया था और यहाँ जब चित्तौड़ आए तो ये तो विश्व धरोहर है। चित्तौड़ किले का नाम पूरे विश्व में है। जितना पर्यटन को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा निस्संदेह उसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शोभा यात्रा में अलग अलग तरह की झांकियां हैं, 5 तरह की। सर, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट पूरा झांकी में है, पन्नाधा है और मीरा, और हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज है उसकी भी एक झांकी है, एक मिनाल की झांकी है। और इसके अलावा अलग अलग पारंपरिक परिवेश में हमारे जितने भी चित्तौड़गढ़ वासी हैं वो सब उसमें जुड़ेंगे। अलग अलग पॉइंट्स पे हमारे जितने भी लोग हैं चित्तौड़गढ़ वासी, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे अपने स्वागत के लिए ना द्वार लगा रखे हैं, जो मैंने देखा अभी सब वेट कर रहे हैं। प्रदेश में चल रहे 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया। इस मौके पर जयपुर के साइंस पार्क में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आम जन से सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी। इस दौरान जयपुर पुलिस की DCP ट्रैफिक पूजा आवाना सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत करने जा रहे हैं और सड़क सुरक्षा सबसे अवेयरनेस के लिए कि हम लोगों को समझा पाए कि ये सड़क आपको सुविधा देती है लेकिन इसमें सुरक्षित चलना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। परिवहन विभाग सरकार सब चिंतित रहती है। हर एक घंटे में एक व्यक्ति की डेथ होती है सड़क दुर्घटना के कारण, और उसमें ज्यादा कारण होता है लापरवाही। अब इस लापरवाही से हमें बचना होगा, हमें इस ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि हम हेलमेट पहनकर चलें, सड़क पर चलें तो नियमों का पालन करें, रेड लाइट तोड़कर नहीं भागें। इसमें लगभग परिवहन और यातायात विभाग दोनों ने ही मिलकर अच्छी कार्रवाई करी। यातायात पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर तकरीबन 20 स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए, जहाँ बच्चों को जानकारी दी गई कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और उन्हें वायलेशन के क्या नतीजे हो सकते हैं। तो उनको ये संदेश पहुंचाया गया कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है। इसके अलावा लगभग 250 लोगों को BLS की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि वो गुड समैरिटन बन सकें और सड़क पर जो हादसे होते हैं उनमें विभिन्न जगह पर लोगों की जान बचाई जा सके। दिगंबर जैन महासमिति और ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स फोरम की ओर से जयपुर में निःशुल्क चिकित्सा और जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डायबिटीज, नेत्र, दंत और हड्डी विशेषज्ञों सहित विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की निशुल्क जांचें कर परामर्श दिया गया। क्रिकेट। न्यूजीलैंड ने T20 क्रिकेट मैच 4 विकेट से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने भारत को निर्धारित 20 ओवर में 213 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सका। He has opened the bowling before and often he just about bowls a little outswingers to the left-hander. मौसम। पूर्वोत्तर में जारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते मरुधरा में भी गलन भरी सर्दी से आम जन त्रस्त है। पिछले दिनों कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने और बाद में चली सर्द हवाओं ने प्रदेशवासियों को ठिठुराए रखा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब ओलावृष्टि के कोई आसार नहीं है, लेकिन शीतलहर आने वाले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि रात्रि के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा का किया उद्घाटन, कहा तेल और गैस परियोजनाओं का समय पर विकास हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत, साधुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का किया अनावरण। गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन से रेल और सड़क यातायात प्रभावित, सरकार ने कहा जल्द होगा समाधान। प्रदेश में 5 और मरीजों की मृत्यु के साथ स्वाइन फ्लू से अब तक मरने वालों की संख्या हुई 105, 66 और नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज आए सामने। और ऋतुराज वसंत के आगमन का पर्व वसंत पंचमी आज, मां सरस्वती की आराधना के साथ हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।